11 नवंबर से आपका सबसे पहली बात एक नया सब्जेक्ट चालू होगा ज्योग्राफी, ठीक है, सबसे पहली चीज ये। और मेंस में चालू होगा आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, आईआर और ज्योग्राफी दोनों किसके बेस्ड है, दोनों मैप बेस्ड पढ़े जाते हैं। इसको भी मैपिंग से पढ़ना है हमें, क्योंकि यहाँ पर भी लोकेशन ही है। थोड़ा सा कुछ चीजें आईआर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या विदेश नीति के सिद्धांत होते हैं, भारत की विदेश नीति कैसे है, पूरे विश्व से हमारे क्या संबंध है, ठीक है, हमने कब कब आयाम चेंज किया अपने विदेश नीति के, वो सब तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ लोकेशन बेस्ड जानकारी आपको जाननी जरूरी होती है। साथ में ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि पहले मैं फिजिकल पढ़ाऊं, या फिर मेरी प्लानिंग ये होगी कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपकी है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो दोनों ज्योग्राफी को लेकर के आपकी साथ साथ इसका फिजिकल ज्योग्राफी भी मैं बताता चलूंगा, जहां पे इंडिया का मुझे लगेगा और जहां पे वर्ल्ड का। तो ये आपका 11 नवंबर के दिन तो आपका ज्योग्राफी और आईआर नहीं चालू होगा, लेकिन 11 तारीख को हम पूरी रणनीति डिस्कस करेंगे दो चीजों की। पहली होगी हमारी मेंस को लेकर के, क्योंकि अब मेंस ही सब कुछ है, तो मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं उसको लेकर के हम पूरी बारीकी से एक एक चीज आप जानोगे, यहाँ पे लिखना मैं सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पास जो है लिखने का पूरा जितना भी चीजें बताई जाएंगी सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। इसके बाद हमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, देखो अब इतने दिन तैयारी करने के दौरान आप लोगों को तब भी लग रहा होगा कि हम रास्ते पे हैं, नहीं भी है, है ना, बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो, बार बार परेशान हो जाते हो। आपने एक चीज देखा होगा, अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ रिसेंटली, देखा कि पेपर का लेवल जीरो था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा भी, जो मेरे पास रिपोर्ट आया है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था इसलिए कम नंबर आए हमारे, पेपर कठिन, तैयारी कठिन की थी लेकिन पेपर ही आसान आ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज मिले हैं मेरे पास। तो कहीं ना कहीं पे जो भी चीजें हैं, एक तरीके से मैं चाहूंगा कि उस दिन के लिए आप अपने प्रश्न तैयार रखें, जो प्रश्न आप पूछोगे मैं 110% आपको सेटिस्फाइड करूंगा, ठीक है। और आने वाले समय पे मैं सोच रहा हूँ पेरेंट्स मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जाए, यहाँ पर एक दिन ऐसा रखें, सेमिनार में ही रखें, कुछ भी रखें, गार्जियंस को बुलाया जाए सबके, ऐसा भी अच्छा रहेगा, जिसके आ सकते होंगे उसी के, जिसके नहीं आ सकते होंगे उसका तो अब डर लगता है गार्जियन से, अब तो डर नहीं लगता होगा, अब तो सम्मान होगा उनके प्रति, अब ज्यादा पहले हमें डर लगा करता था, अब धीरे धीरे रिस्पेक्ट में बदल जाता है डर, गार्जियन का जो डर है वो रिस्पेक्ट में बदल जाता है आपके अंदर। लेकिन एक डर ये रहता है, थोड़ा फाइनेंशियल डर रहता है, क्योंकि वित्तीय मदद आपकी आपके गार्जियन ही करते हैं, तो एक डर बना रहता है हमेशा। और मैं कहूँ वो डर नहीं है, वो आपके अंदर की नैतिकता है, आप अंदर से इतने नैतिक होते हैं कि जब किसी से आप पैसे ले रहे होते हैं तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा सेल्फ स्टीम थोड़ा कम होती हुई दिखती है, होता है, जब किसी से मांगने के टाइम पे हिम्मत खराब हो जाती है, मांगने टाइम में इतनी हिम्मत चाहिए किसी से पैसा, चाहे कोई भी हो, फादर हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी माँ हो, आपका कोई भी रिलेशन हो, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आती है तो पता नहीं क्या होता, हाथ पांव फूल जाते हैं, और 3 से 4 दिन की प्रिपरेशन चाहिए पैसा मांगने के लिए, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अच्छा कुछ लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ जैसे कि जब मैं करता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं पैसे मतलब घर से बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली चीजें हैं घर में, क्योंकि मेरे घर पे क्या था कि बहुत सारे सपोर्टर थे, फादर भी थे, मदर भी थी, मेरे ब्रदर भी थे, दो दो भाई, तीन तीन, सब लोग तैयार थे कि कब मांगेगा तब देंगे, एक होता है ना देने में उनको खुशी होती है, लेकिन जब मेरा मांगने की बारी आती थी तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, मतलब मैं 3-4 दिन में विकट से विकट परिस्थितियों में पैसे मांगता था उनसे, जब ये लगता था कि अब सर्वाइव नहीं हो पाएगा, तब कहीं जाके फाइनली पैसा मांगा, मेरी हिम्मत तो खराब होती थी, फिर जब फोन लगाता था तो पहले हालचाल पूछते थे। और मेरे साथ दिक्कत है कि थोड़ा सा मैं फोन ऑन से ज्यादा दूरियां रही, मैं ज्यादा फोन कॉल नहीं करता, अभी भी फैमिली को नहीं करता हूं ज्यादा, लेकिन अब फोन कॉल पैसे वाले दिन ही जाए तब और बुरा हाल, उनको ये लगेगा कि ये पैसा के लिए ही सिर्फ फोन करता है, है ना, अब लेकिन जो कोई जरूरत है और जरूरत वही पूरी कर सकते हैं, तो बड़ा मैं तो इस चीज को मानता हूँ, पैसे के मामले में सबकी हालत खराब होती है, सही बात है, गलत नहीं है, है ना, ज्यादा अफसोस होता है कि मां मेरे ये चीज का अफसोस, लेकिन एक चीज बताऊं, यदि अभी मौका मिला है, सब कुछ मिला है, तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, ये चीज मुझे आज महसूस होती है,
आपको यदि पैसे मिल रहे हैं ना कहीं से और मौका मिल रहा है ना तो उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये कारण ना फिर बाद में इसको किया, मेरे पास मौका भी था, मुझे सब कुछ मिल भी रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बेवकूफियों का ये बेवकूफी है जो आप नहीं मांगते या फिर जो आपके अंदर दिमाग में लगा रहता है कि मैं देव कल के दिन पैसा डूब जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर, ऐसा लगा रहता है दिमाग में कि ये पैसा कहीं मैं शायद वापस ना कर पाऊं, ऐसा भी हो सकता है, या धीरे धीरे ऋण बढ़ता जा रहा है फैमिली का। देखो पिताजी ने हमें पैदा किया है, आप खुद सोचो, अभी मान लीजिए आप उस अवस्था में आ गए हैं कि जब शादी वाली अवस्था तक सबकी पहुंच गई या फिर कुछ लोगों की हो भी गई है ना, तो एक चीज तो है कि हम अपने बच्चों के प्रति सोचते हैं, माँ बाप जो होते हैं बच्चों के प्रति सोच रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चों की मदद करूंगा, अभी से ही पॉलिसी खुलवाना चालू कर देते हैं छोटे बच्चों की, उनके लिए कुछ पैसा, लेकिन माँ बाप के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि बच्चे की मदद करनी, उसे दुख नहीं होने पाए, वो भूखा ना सोए है ना, उसकी एजुकेशन बेहतर से बेहतर मिले उसको, ये माँ बाप की सोच होती है, होती कि नहीं होती है। लेकिन अब आप पागल, अब आपको मदद कर रहे हैं लेकिन आप लोग पागल हैं है ना, आप आधा से ज्यादा टाइम इन सब चीजों वेस्ट नहीं करते, आपको क्या लगता है? माँ बाप तो आपके करियर बनाने में लगे हुए, देखो आपका कल होगा नहीं होगा तब भी माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, वो उनका फर्ज है, कल के दिन अब आप माँ बाप बनोगे तो आपको भी फर्ज ही होगा कि आपने उस पुत्र को पैदा किया है तो उसको आप या पुत्र या पुत्री को उसके लक्ष्य तक पहुंचा दो, यही तो उनका टारगेट होता है। अब बाकी का टारगेट आपकी, अब आपको जो कुछ भी करना अपनी जिंदगी के लिए करना है, ना माँ बाप के लिए करना है, या ना तो पति के लिए करना है ना तो पत्नी के लिए करना, जो कुछ भी करना अपने लिए करना, आप अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हो, और कल के दिन पहचान आएगी तो आपकी अपनी पहचान आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ना आपके हस्बैंड की, आपके हस्बैंड होंगे तो वो आपके नाम से जाने जाएंगे कि इनकी जो वाइफ है वो SDM है, वो DM है ना, आपके नाम से जाने जाएंगे, ना कि आप उनके नाम से जाने जाओगे, जबकि फाइनेंस किसने किया था? उन्होंने। आप श्रेय जरूर दोगे लेकिन तब भी समाज आप ही को कहेगा कि इसने उस पैसे का सदुपयोग किया। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि घर से जो पैसा आपके पास आता है उसका पहली बार सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो, अधिकतम लाभ उठाओ और मेहनत करो, इसीलिए कह रहा हूँ रेगुलर रहो। देखो दीपावली बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, दीपावली हो गया, होली हो गया, दो सेलिब्रेशन में मानता हूँ इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखो, ये दो त्योहार ही ऐसे त्योहार है जिनमें अधिकारी लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, कोई पुलिस फोर्स का व्यक्ति छुट्टी नहीं लेता है, क्योंकि आप भी आने वाले देश के भावी अधिकारी बनने वाले हैं, इसलिए इन दौरान आपको छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो होली दीपावली जो है आने वाले समय में आप अपने जिले के साथ मनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो एक अधिकारी के लिए कितना गौरव की बात होती है, पूरा दीपावली अपने पूरे जिले के साथ मनाता है, तैयार बैठा रहता है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, फायर ब्रिगेड तैयार रहती है, दीपावली में कितना बड़ा प्रशासन तैयार रहता है, आप जाओ रोडों में चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, संभाल रही, ट्रैफिक संभाल रही है, चेकिंग हो रही है, कोई किसी भी तरीके का त्योहार का दिन विघ्न ना आ जाए कभी। और फायर ब्रिगेड के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस दिन तो पूरा आतिशबाजी आग ही का काम होता है ना, हम पैसे खरीद ही के लाए। तो कहीं ना कहीं पे पहली भी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है कि 11 नवंबर को पहली बार अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है सबको, किसी भी हालत में, चूंकि मेंस की एक बड़े स्तर की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, दूसरा ज्योग्राफी का उद्घाटन करेंगे जो कि लंबा चलेगा, ज्योग्राफी लगभग लगभग मुझे लगता है 2 महीने कोर्स चलेगा, पहले इंडियन पढ़ेंगे 1 महीने में, दूसरे महीने में वर्ल्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है? और बड़ा मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ाने में, मुझे सबसे ज्यादा मजा इसलिए आता है क्योंकि ज्योग्राफी मुझे कुछ लिखवाना नहीं होता, एक चीज बता दूं ज्योग्राफी में न्यूनतम नोट्स बनाऊंगा, मैक्सिमम चीजें आपकी मैपिंग में होंगी, तो आपको ब्लैंक मैप लेना होगा, एटलस खरीदना होगा, वो सारी चीजें बता दूंगा मैं, और बस सारा काम मैपिंग में करेंगे, एक रजिस्टर होगा जिसके चंद पन्ने भरेंगे बस, बाकी मानचित्र 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 एक एक चीज मानचित्र, सारी लोकेशंस मानचित्र, फसलें मानचित्र, बंदर सब मानचित्र, ठीक है? तो हम मानचित्र पे काम ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दूसरा IR का टॉपिक है, IR में थोड़ा लिखना हर देश के साथ क्या क्या हमारे समझौते हो चुके हैं, आने वाले समय में क्या होंगे, वो सारी चीजें होती है, ठीक है? तो 11 नवंबर में कोई यदि नहीं हुआ तो फिर मेंस के लिए मुझे बाद में मत मेरे पास आके पूछेगा कि सर मेंस का हमारा गड़बड़ा हो गया, मेंस की मेरी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे आंसर राइटिंग लिखना नहीं आता। उस दिन मैं आंसर राइटिंग का सही तरीका बताऊंगा, कैसे उत्तर लेखन किया जाता है, चूंकि UPSC के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है?
और 11 तारीख को ही नए लोग भी आपके साथ बहुत सारे मिलेंगे, नए चेहरे भी आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हर अभी इस बार 11 को हो रहा है, फिर अगला एक समय बाद क्लोज कर दिया जाएगा बस, जैसे ही ये सीटें पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, कितने हैं यहाँ पे 70 के आसपास सीटें टोटल, तो इसको पूरा क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपके पास नो एंट्री हो जाएगी, बाहर नो एंट्री का गेट, अभी जब तक है तब तक एंट्री दे रहे हैं, हो सकता है इसी 11 नवंबर के बाद ही नो एंट्री लग जाए मे, क्योंकि अभी एग्जाम था, अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बार आएंगे, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि अभी हमारा काम ये कि जितना रिमेनिंग टॉपिक आपका बचा हुआ है वो करवा लो, जैसे इंडियन पोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, आपका कुछ बचा नहीं है, इसके बाद आपका इकोनॉमी भी मैं इसी टाइम पीरियड पे कंप्लीट कर दूंगा, एनवायरनमेंट आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, इथिक्स आपका इसी सैटरडे संडे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बचेगा क्या, जो बाकी के टॉपिक हैं वो आपके कंटिन्यूस ऐसे ही चलते रहेंगे, पहले हम पूरी ज्योग्राफी अच्छे से करेंगे, ज्योग्राफी के बाद मैं इंटर करूँगा किधर, इसके बाद शुरू करूंगा आपका पॉलिटिक्स। अब हिस्ट्री जो ऑप्शनल मैंने चला रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल में बड़े व्यवस्थित तरीके से 11 से तो शुरू करूंगा, लेकिन पहले जितना ग्लिम्स है वो मैं देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शनल का 11 से ही वहां पर भी रहेगा, तो ऑप्शनल में भी अभी क्योंकि ऑप्शनल का पर्टिकुलर मैंने कोई सेमिनार नहीं लिया, तो ऑप्शनल का भी उस दिन बताऊंगा कि ऑप्शनल में कैसे, इतिहास ही चूंकि मुझे कराना है, इतिहास और सोशल वर्क, सोशल वर्क आने वाले समय में कराऊंगा, लेकिन पहले इतिहास। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले क्या करें, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पहले मेरी यही जो जितना ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इसी में आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बुक्स बता दूंगा, वो बुक्स आपको अलग से जो पढ़नी होगी, कुछ माधव दुसैन सर की बुक है, कुछ सविंदर सिंह की बुक है, ठीक है, तो एक दो बुक बता दूंगा वो पढ़ लीजिएगा, काम लिखना सीखना है बस, ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग करना सीखना है, कहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, कहाँ पे कितना कैसे लिखना, वो सब चीज सीखना है, बाकी काम मेरा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रेगुलर रहेंगे, दीपावली की आराम से छुट्टियां बनाइए, और सब लोग छुट्टियां क्या है कि छुट्टी जरूरी होता है, रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है, त्योहारों में सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं इस चीज को मना करता हूँ कि पटाखे नहीं छुटाओ, अच्छी बात है, लेकिन छोटे बच्चे तो मानते नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि उनको चार थप्पड़ मार दिए, है ना, लेकिन पटाखे नहीं छुटाने चाहिए, मतलब कोई उससे बेनिफिट नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, मुझे खुद सोचो, थोड़ा सा विवेक में जाके देखो, अपना मस्तिष्क में जाके देखो, दीपावली और अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है ना, और अच्छा तरीका, पेड़ लगाना तो एक तरीका मैंने बताया ही, लेकिन दूसरा तरीका अपनी खुशियां बांटिए, बढ़िया उस दिन जाइए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पे, चले जाइए सबको एक एक डिब्बा देकर आइए, जितने के पटाखे खरीद के लाओगे, यहाँ पे लोग भूखे पड़े हैं रेलवे स्टेशन के पास, जाइए एक एक डिब्बा बांटाइए, नहीं तो एक ही आदमी को दे आइए, किसी एक का पेट भर दो आप दीपावली के दिन, उसकी भी दीपावली आपके माध्यम से मन जाएगी। मैं कह रहा हूँ पैसा व्यर्थ नहीं खर्च करना, यदि ज्यादा अतिरिक्त पैसा तो उसको एक सही डायरेक्शन देनी है, तो त्योहार हम बहुत अच्छे से मना सकते हैं, पटाखे छुटा के त्योहार कैसे मनाया जाता है, मुझे तो पटाखे का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, मुझे अब तक कोई समझाया भी नहीं इस चीज को कि कैसे आ गया। दीपावली वो दिन है जिस दिन राम भगवान अयोध्या लौटे थे, और अब तो चाइना की वो लड़िया आ गई है ना उसके, है ना, लोग मिट्टी के दीपक नहीं खरीदते, मैं तो कहता हूँ मिट्टी के ही दीपक जलाने चाहिए, मिट्टी का दीपक और भी घी के साथ, आधा किलो घी ले लो, आधा किलो घी में कोई बुराई नहीं है, बहुत महंगा नहीं होता है, आधा किलो घी और आप जो है दीपक में भी जलाते हो तो आप समझ लो कितना बड़ा काम कर रहे हो, घी के दीपक जलाओ, लेकिन आपके पास घी नहीं तो तेल के भी जल सकते हैं, घी के जलते थोड़ी देर, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, घी का दीपक लोग ऐसे ही जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाई जाती है घी की, तो पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसलिए दीपावली मनाई गई थी, दीपावली इसलिए था, दीपावली की साफ सफाई घरों की हो जाएगी, मैं तो कहता हूँ अंदर की भी सफाई कर लो, है ना, दो दिन का टाइम जो है ब्रेन के अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ है वो सब चीजें, और थोड़ा सा सोच, दिमाग की सोच बदलो अपनी, सही डायरेक्शन पे आओ, पटाखे वड़ाखे बिल्कुल नहीं छुटाएंगे, कोई समर्थन नहीं करो इनका, और ना खुद छुटाओ, पेड़ उस दिन आप वृक्ष लगाओ, मैं तो कहता हूँ वृक्ष लगाकर एक तस्वीर लेके मेरे पास भेजो, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक आप लोग है ना, क्या करना है, और एक नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये नंबर है हमारा 9115269789, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भेजिए, ठीक है, फोटो के साथ एक व्हाट्सएप भेजिए, फिर मैं उसका बढ़िया से कोलाज बना के लोगों को आप लोग का एग्जांपल दूंगा,
ठीक है, 91 15 191 15 26 9 7 8 9 8 9 है लास्ट ठीक है। इस नंबर पे आपको अपनी इमेज वेव भी व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आपको अपनी फोटो भेजनी है पेड़ के साथ, फिर इसको बढ़िया से एक अच्छा सा मधुर संगीत लगा के आप लोग को प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छी बात है। एक मुहिम हमें क्रिएट करनी चाहिए और खुद भी लगाओ और किसी और से लगाओ, बोलो चलो पटाखे छुटा लेना तो 5 मिनट में एक और शुभ काम करा लेता हूँ। 100 ही रुपए तो खर्च होंगे लेकिन आपके माध्यम से बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। 1000 रुपए पटाखों में आप ऐसे चुटकियों उड़ा देते और 1 घंटे बाद मजा खत्म, क्यों पटाखे खत्म, यही तो होता है। 1 घंटे के लिए वो चलते ज्यादा से ज्यादा, बच्चे के साथ लगाओ, बच्चे को भी लगाओ, उसे भी प्रोत्साहित करो, अभी से उसके अंदर बीज डालो कि पेड़ लगाना है, मतलब हमें त्योहारों को रचनात्मक बनाना है बस। अब वो पेड़ की बाद में फिर धीरे धीरे सेवा जो होगी हो जाएगी, नहीं होगी तो जिसकी जितनी उम्र होती है ना, कुछ जिंदा रहेंगे कुछ आपके मर भी सकते हैं पेड़, चूंकि आप ध्यान रखो उसकी सेवा करो है ना। यदि आप ऐसा करोगे तो बेस्ट है, बाकी ऐसा नहीं कि अंधेरे में दीपावली मनाओ, अरे खूब लाइटें खोलो, सब खोलो, ऊर्जा के लिए सरकार खूब काम कर रही है ना, देश चमकना चाहिए उस दिन, आपका घर चमकना चाहिए ठीक है। लड़ियां भी लगाओ लेकिन चाइना की नहीं, भारत की, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना का बहिष्कार करो इस दीपावली। चाइना को दीपावली से क्या लेना देना बताओ, दीपक बनाता है वो डेकोरेटेड दीपक आते हैं जो 1 सेकंड भी 1 सेकंड के बाद बुझ जाते हैं, उनमें आपको शायद पता होगा मोम होती ही नहीं है, वो कुछ नहीं होती, वो 1-2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं कहता हूँ 1 मिनट चलता है वो, 1 मिनट के बाद वो पूरा बुझ जाता है। यदि नहीं हो तो इस बार देखिए ठीक है, तो बढ़िया घी के दीपक क्या है, मिट्टी के दीपक लोग खरीदते नहीं जो कि भारत में बनते हैं, सब कुछ है, रोजगार बड़े लोगों का, उनका तो यही टाइम है और उसमें लोग मोल भाव कराते हैं, नहीं तो चले जाओ आप अपोलेंट डीमार्ट चले जाओ, वहां पे आप जो रेट देंगे वो रेट लेके चले आओगे, तो मोल भाव मत करो, उनको 4 पैसे मिल जाएंगे क्या बोलेंगे, लेकिन भारतीय है लड़ी लेके आएगा उतने पैसे में, जितने देगा वो लड़ी, हाँ लड़ी उतने ही पैसे में आएगी, लड़ी में कोई मोल भाव नहीं होगा। तो इस दीपावली को हम थोड़ा सा बेहतरीन मनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों शुभकामना है ना। आपके पास पैसे ज्यादा हैं पटाखे खरीदने का, मैं कहता हूँ किसी को दे दो, कुछ खा पी लेगा, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है देने में। हम लोग कई बार दिमाग ही लगाते ना, ये दारू पी लेगा, ये कर लेगा, ये वो नहीं खाएगा, अरे आपका काम है देना बस, आपका काम शिक्षा देना नहीं है, उसकी जो जरूरतें होंगी जरूरतमंद को देना, जरूरतमंद को देना, जो आपको लगे कि हाँ इसको जरूरत है वो पता चल जाता है जरूरतमंद है कि नहीं है। बाकी आप दिमाग लगा रहे हो कि अरे तुम्हारे हाथ पांव अट्टे कट्टे हैं जाके कुछ खा लो, अरे उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, थोड़ी सी मदद आप कर दोगे कोई बुराई नहीं हो जाएगी, और आपको भी जरूरत मदद की जरूरत होती है ना, है ना। तो दीपावली को सौहार्द के साथ, हमारी आपकी दीपावली 6 तारीख को जाओगे, थोड़ा सा मीठा मिष्ठान यहाँ वितरित करेंगे और उसी दिन हमारी हैप्पी दिवाली रहेगी, बाकी 7 को देखेंगे, हो सकेगा तो शाम को लाइव लिया जाएगा, बाकी अन्यथा की स्थिति में आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाइएगा, क्योंकि हम इस वीक में फेज में इंटर कर चुके हैं दीपावली के, अब घर में साफ सफाई सबकी चालू हो गई हो, साफ सुथरा सब कुछ है तो आप भी तारीफ तो होंगे ना, सफाई अपने रूम की जहाँ आप रह रहे हो वो भी आप ही का है, जो रेंट वाले हैं वो भी लें, क्या करें रूम का, अच्छा नीट एंड क्लीन रखते हैं। लड़कों का रूम बताओ क्या हाल है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, सुखकांत जी अच्छा सचिन साफ रखते हैं, रूम पार्टनर अच्छे हैं आपके, चलिए ठीक है फिर है।